कौशल्या जी के ऐसे वचन सुनकर सारा समाचार प्राप्त हो जाने के बाद भरत जी अत्यंत दुखी होते हैं और विलाप करने लगते हैं। उनके साथ राजमहल में जितने भी लोग हैं वो सभी विलाप करने लगते हैं। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो माता कौशल्या कहने लगती हैं कि आप ना किसी और को दुख दीजिए, दोष दीजिए, ना खुद को दोष दीजिए, क्योंकि मैं भली भांति जानती हूं चंद्रमा शीतलता छोड़ सकता है, सूर्य प्रकाश देना छोड़ सकता है, लेकिन आपका प्रेम जो राम जी के प्रति है वो कभी कम नहीं हो सकता, ना कम है। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपत हैं प्राणों ते प्यारे। राम जी को तुम और राम जी तुम्हें प्राणों के समान प्रिय हैं। उसी समय वशिष्ठ जी महाराज आते हैं और भरत जी को समझाने लगते हैं। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। ये सब विधाता का की करनी है, किसको लाभ किसको हानि, किसको यश किसको अपयश, किसी को सुख किसी को दुख, ये सब विधाता का देन है। आप अपने आप को दोषी मत समझिए। और सुख त्याग दीजिए। महाराज दशरथ जी का चरित्र सोचनीय नहीं है। सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन चारी दस प्रगट प्रभाव। उनका जो प्रभाव है उसको सोचकर चिंता मत कीजिए, क्योंकि भुवन चारी दस यानी 14 भवनों में उनका यश है, उनकी कीर्ति है। सब प्रकार भूपत बड़ भागी, बाद विषाद करिएते हैं लागी। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना शोक करना व्यर्थ है। यह सुनकर और समझकर अपने शोक को त्याग दीजिए। अनुचित उचित विचार तज जे पाल हैं पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के बस हैं अमर पति। अनुचित और उचित का विचार किए बिना जो पिता के वचनों को मानता है, बस हैं अमर पति एन, जहां अमर पति इंद्र बैठते हैं वह पद मिलता है। और उन्हीं वचनों को मानकर तुम्हारे भाई
राम जी वनगमन के लिए गए हैं, इसलिए अपने आप को दोषी मत मानिए। श्याम राम चंद्र भगवान की जय। वशिष्ठ जी महाराज के समझाने पर भरत जी महाराज ने यथोचित जो क्रियाएं होती हैं वो सब क्रियाएं करने के बाद महाराज की देह को स्नान कराकर निपतन वेद विदते अनुभावा परम विचित्र विमान बनावा। वेदों में बताई हुई विधियों के अनुसार महाराज दशरथ की देह को उनके शरीर को विचित्र विमान में सुंदर विमान में बिठाया गया। भरत जी अपनी तीनों माताओं से प्रार्थना करके जो तीनों माताएं महाराज दशरथ के साथ सती होना चाहती थीं उनको मनाकर उनको रोक लेते हैं। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और विधि पूर्वक स्नान करके महाराज को तिलांजलि दी गई। फिर वेद स्मृति और प्राण सबका मत निश्चय करके भरत जी ने अपने पिता का दशगात विधान सारे संस्कार किए। सिंहासन भूषण बसन अन्न धरन धन धाम लिदिये भरत लहे भूमि सुर भे परिपूरन काम। और फिर जिसको जो दान की चीज़ें दी जाती हैं वो यथोचित सबको दान करने के बाद सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। पितुहित भरत कीन जस करनी सो मुख लाए जाए नहीं बरनी। सुदिन सोध मुनिवर तब आए सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करने की वह लाखों मुखों से भी वर्णित नहीं हो सकती। शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों सहित सब महाजनों को बुलवाया। वशिष्ठ जी ने भली भांति भरत जी को समझाकर उनके शोक को दूर किया। भरत जी को समझाते हुए वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, सोचिए नपत जो नीत न जाना जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण को करना चाहिए जो नीतियों को नहीं जानता, शास्त्रों को नहीं जानता। सोच उस राजा को जानना करना चाहिए जिसको उसकी प्रजा प्रेम नहीं करती,
उसकी प्रजा उसे चाहती नहीं है। भरत तुम तो सब विधि सबके प्रिय हो, तुम्हें जरा भी शोक नहीं करना चाहिए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय 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 जय राम राजा रामचंद्र भगवान की जय।